नमस्कार। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार के बड़ा फैसला सामने आ गया है। बिहार सरकार ने आज से लॉकडाउन लगाने का निर्णय ले लिया है। आज से स्कूल कॉलेज मंदिर मस्जिद समेत जिम दुकान सामान या तमाम चीजें बंद करने का निर्णय लिया गया है। क्या कुछ बड़ी खबरें और किस तरीके से सरकार ने इसे बंद करने का बड़ा निर्णय ले लिया है, इसके बारे में आपको विस्तारित पूरी जानकारी बताते हैं। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। देश में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंताएं बढ़ाई, जिसके बाद में सरकार ने पूरी तरीके से बड़ा फैसला ले लिया। सरकार के इस फैसले के बाद में कोरोना महामारी को रोका जा सकता है। कोरोना के दो नए वेरिएंट डेल्टा और ओमिक्रॉन देश में पांव पसार रहे हैं। एक दिन में 1-1 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। यह बिहार में भी जहां कोरोना के नए मामले पाए जा रहे हैं और बिहार के मंत्री समेत तमाम अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको जानकारी होना चाहिए कि बिहार के डॉक्टर भी, यहां 1000 से ज्यादा डॉक्टर जो है वो पूरे हिंदुस्तान के संक्रमित हुए हैं, जिसमें बिहार के डॉक्टरों का भी नाम शामिल है। कोरोना के बढ़ते महामारी को देखते हुए सरकार का एक महत्वपूर्ण बड़ा फैसला सामने आया है। सरकार ने जिम के साथ साथ दरअसल दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया है। 8 बजे के बाद में, 8 बजे जी हाँ, रात्रि 8 बजे तक सभी बाजार की दुकानें खुली रहेंगी। 8 बजे के बाद में दुकानों को बंद करने का दिशा निर्देश दिया गया है। नियमों के पालन नहीं करने पर चालान भी काटा जाएगा और यह चालान महंगा हो सकता है। दुकानों को सील भी किया जा सकता है। सरकार का एक बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों का दुकान सील किया जाएगा और इसके साथ साथ वो बड़ा जी हाँ जुर्माना भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने चिंता जताते हुए लोगों से सतर्क रहने की बात कही है। लोगों से आपात कहते हुए सरकार ने कहा है कि अगर कोरोना के नजरअंदाज करने की कोशिश की गई तो यह काफी ज्यादा फैलाव ले सकता है और यह अगर फैलाव लिया तो सबसे ज्यादा चिंताएं कोरोना के तीसरे वेव को लेकर के बिहार में ही है, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उतनी सही नहीं है, चरमरा सकती है स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी यह दावा किया था कि कोरोना के मामले अगर हिंदुस्तान में बढ़े तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था से इलाज करा पाना एक बहुत ही बड़ा मुश्किल टास्क हुआ, लेकिन इस मुश्किल टास्क को पूरा नहीं कर पाएगी सरकार। इसलिए सरकार को भी यह निर्णय लेना पड़ा कि अब कोरोना के बढ़ते महामारी को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया कि अब पूरी तरीके से जो है वो लॉकडाउन लगाया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार का एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने रात्रि 8 बजे से सब कुछ बंद कर दिया है। वहीं धार्मिक संस्थानें जैसे मंदिर हो, मस्जिद हो, इन्हें भी बंद कर दिया गया है। यानी इसमें भी आप नहीं जा सकते। बाहरी फाटकों पर ही कई लोग पूजा करते हुए नजर आए। पटना का हनुमान मंदिर समेत कई जगहों पर मंदिरों को भी अस्थायी रूप से बंद किया गया है और सरकार के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। वहीं स्कूल कॉलेजों की बात करें तो पहले जी हाँ 8वीं तक के स्कूल कॉलेज बंद की गई थी, लेकिन अब बड़ा फैसला लिया गया है। सभी स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को भी बंद करने का सरकार का दिशा निर्देश सामने आया है। आज कल तक इंफॉर्मेशन बनेगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।